संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गांव दिनोरा में सोमवीर पुत्र रमेश किसी तरह गांव में अपनी गुजर बसर कर रहा था। झोपड़ी नुमा घर बनाकर रह रहा था। रात करीब 12 बजे नकाबपोश हथियारों ने गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। दूसरी चारपाई पर सो रही उसकी पत्नी सावित्री ने उठकर देखा, जब तक नकाबपोश हत्यारे वहाँ से फरार हो गए। मृतक पर 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति सावित्री का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में दहशत बनी हुई है। हत्या का कारण परिवार वाले पुरानी रंजिश को मानकर चल रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। मृतक के पिता रमेश ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस हत्या की वजह और हत्यारों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। क्या नाम बताई? राजू। तो ये रात जो आपके लड़के की हत्या हो गई, तो जो कहाँ पे सो रहा था ये बच्चा आपका? जाई बच्चा ठीक है। अच्छा, और कौन था उसके साथ में, और कौन सो रहा था? अच्छा, फिर कितने बजे घटना आई लगभग, कुछ मालूम है? जो यार पहले सोचा ही बात है, 12 बजे ही बात। पत्नी नाम क्या है? गायत्री। अच्छा, तो गायत्री ने शोर मचाया, घर गई है भागती हुई। कुछ बता रही थी कोई? आज कितने आदमी बता रही? कुछ आदमी वादी बता रही थी? तो आई जम भीतर। अच्छा, तो भीतर हम रेटियार बांध रहे हैं और कह रहे हैं पेंट टी शर्ट पहन रहे हैं। अच्छा, और दो तीन तो भागी वहीं खड़े, दो तीन बाहर भी खड़े थे। हाँ, सब भी खड़े। तो कुछ और हथियार वगैरह बता रही है, कुछ हाथ में बता रही है? नो कर रही है, जो करना मुझी को जैसे दिन मुँह में अंगूठा देकर जब वो मारे हैं तो थोड़ी बहुत तो उनने जोर करी है संविधान में उनसे निकाल दी हुआ हाथ निकाल। अच्छा, तो और तक हाथम लग रहा हुआ उनके लिए। अच्छा, हाँ नो करे बीहो में करना हाथम लग रहा हुआ और मार के यहाँ एकदम दरवाजे मार के एकदम दे। अच्छा, तो कोई तुम्हारी कोई रंजिश है क्या? नहीं, कोई किसी लड़ाई हुई है? काल से नहीं रंजिश, काल से नहीं बाप और लड़ा आया से कबू काल से लड़के नहीं आया, कबू काल से क्या क्या नहीं आया। क्यों मारा? हम मालूम पड़े भैया, और तो हमसे कोई बात नहीं, जो ये परवाची है हमारी जाई पे हमारी ने काल से जगह ऊपर झगड़ा चल रहा था उस जगह जो आगे। अच्छा, बाप कबू लड़ैया ना है, लौड़ा कबू लड़ैया ना है, काल से घर वाले हैं तुम्हारे? हाँ, कहाँ हैं? तो कोई बात नहीं हमसे और काल से गांव में। हाँ, कल रात में सूचना मिली कि धनारी थाना अंतर्गत ग्राम दिनोरा में एक हत्या हो रही है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर धनारी और मैं स्वयं घटनास्थल पर हम लोग पहुँचे। घटना वहाँ पर देखा गया, एक व्यक्ति जिसका नाम सोमवीर था, पिता का नाम रमेश, इसके गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद तत्काल बाद लाश का पंचायतनामा मंगवा के उसको हॉस्पिटल, पहले उसको हॉस्पिटल भेजा गया ताकि हो सकता अगर कहीं भी उसकी सांस चल रही हो तो वो बच जाए, लेकिन तब तो उसकी मौत हो चुकी थी। जो पंचायतनामा बनकर पोस्टमार्टम के लिए बाद सजा सी गई और उसके पिताजी रमेश द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में गांव के ही 3 व्यक्तियों को नामित किया गया है। उसके बाद इसी आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई कर रही है ताकि इस हत्याकांड का खुलासा हो सके। अन्य क्या बंदी हो सकते हैं? अब उसके ये भी पता किया जाएगा, गाँव में और किसी झगड़े थे या घर में कोई और मामला, सारी की तहकीकात करने के बाद इसका फैसला, तो इसका खुलासा 2-3 दिन के अंदर ही कर लिया जाएगा।